Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Viewers, Assalamu alaikum. Aaj hamara topic grammar ka bahut important topic hai aur mere chahne wale students ki farmaish par hai. That is the difference between transitive verb and intransitive verb. Now let's go for doing it. Transitive verb and intransitive verb. ये अल्फाज तो स्टूडेंट्स अक्सर सुनते रहते हैं टीचर्स से, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, अमूमन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं. आइए देखते हैं. देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब एक्शन वर्ब्स की एक दो किस्में हैं. ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली वो है जो एग्जर्ट करता है अपने इफेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट पर. Verb which exerts its effect on any object, or in other words, I can say a verb which is action verb. If the effect of action is transited to any possible object, it is transitive verb. Or the verb requires or demands an object. Verb hi aisa hai जिसकी डिमांड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूं कहूं कि ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है, मीनिंग्स और क्लियर हो जाएंगे. ही इज रीडिंग अ बुक. अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए कुछ बच्चे शायद इस वक्त कंफ्यूज हों. ऑब्जेक्ट के लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कहा था विच रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एक्शन. वी कैन से रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्शन. अच्छा, जिनकी समझ में ये बात नहीं आ रही उनके लिए आसान कर देता हूँ. ऑब्जेक्ट हमेशा या तो व्हाट का आंसर होगा या हुम का आंसर होगा. व्हाट मींस क्या, हुम मींस किसको. लाइक ही इज रीडिंग व्हाट, अ बुक, ऑब्जेक्ट पता चल गया, ही इज रीडिंग अ बुक. द वर्ब एक्शन वर्ब reading exerts its effect onto the object that is a book. I will invite you to my party. I will invite whom? You. I will invite whom? Kisko? You. Tumko. That is object. Because the verb invite requires an object, that is someone. Okay, there are some examples like read, write, cook, eat, play, paint, etc., etc. There are several examples. Like if I am reading a book, I am reading what? The answer of what is a book. She is writing a letter. She is writing a letter. She is writing what? A letter. A letter is the object. She cooked food. She cooked what? Food. He eats an apple. He eats what? An apple. An apple is the object. Because the answer of what? They are playing in the ground. They are playing cricket in the ground. They are playing cricket in the ground. They are playing what? Cricket. And etc.
लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता. जैसे मेरे मुंह से अभी सेंटेंस निकला था, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. जुमला कंप्लीट है, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं. सेंटेंस कंप्लीट है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. दे आर प्लेइंग व्हाट, व्हाट का आंसर सेंटेंस में नहीं है. तो क्या प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है? देखिए, ऑब्जेक्ट का मौजूद होना शर्त नहीं है, ऑब्जेक्ट का पॉसिबल होना शर्त है. ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, मौजूद नहीं है कोई बात नहीं, पॉसिबल है. दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. अब अगर पूछ लिया जाए दे आर प्लेइंग व्हाट, तो आप कहेंगे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वट एवर. ठीक है, ऑब्जेक्ट का मौजूद होना या ना होना शर्त नहीं है, ऑब्जेक्ट का पॉसिबल होना शर्त है. दिस एक्शन कैन एग्जर्ट इट्स इफेक्ट ऑन टू सम ऑब्जेक्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस और नॉट, इट डजेंट मैटर. बट इफ अ वर्ब कैन नॉट एग्जर्ट इफेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, ऑब्जेक्ट इज इम्पॉसिबल, इट मीन्स द वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब. इट नेवर रिक्वायर्स, इट नेवर डिमांड्स अ वर्ब, एन ऑब्जेक्ट. इट नेवर रिक्वायर्स और इट नेवर डिमांड्स एनी ऑब्जेक्ट. लाइक गो, शी वॉज गोइंग टू स्कूल. अब खुद सवाल पूछिए, शी वॉज गोइंग वॉट, इज देयर एनी आंसर? द आंसर इज इम्पॉसिबल. शी इज गोइंग होम, द आंसर इज इम्पॉसिबल. शी इज गोइंग, वो जा रही है, क्या ये सवाल ही नहीं बना? शी इज गोइंग, वो जा रही है होम, किसे? सवाल ही नहीं बना. यहां ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. रन, दे वर रनिंग व्हाट, व्हाट का आंसर पॉसिबल नहीं है. होम, होम का आंसर भी पॉसिबल नहीं है. दे वर रनिंग फास्ट, फास्ट हाउ का आंसर है. शी वॉज गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल वेयर का आंसर है. ऑब्जेक्ट कभी भी देख लीजिए, या तो व्हाट का आंसर होगा या होम का. व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का आंसर तो एडवर्ब होता है, मेरे एक लेक्चर में आपने देखा होगा. वॉक, दे वॉक्ड, व्हाट, व्हाट का कोई आंसर पॉसिबल नहीं है. दे वॉक्ड, होम, होम का कोई आंसर पॉसिबल नहीं है. ही डाइड, व्हाट, व्हाट का कोई आंसर पॉसिबल नहीं है. ही डाइड होम, होम का भी कोई आंसर पॉसिबल नहीं है. वी लिव, वेयर का आंसर पॉसिबल है, लेकिन व्हाट का आंसर या होम का आंसर पॉसिबल ही नहीं है. स्लीप, शी स्लेप्ट, व्हाट का कोई आंसर पॉसिबल है? नेवर. होम का कोई आंसर पॉसिबल है? नेवर. तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जब व्हाट या होम का आंसर पॉसिबल ना हो, ऐसे एक्शन वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. इंट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो, मेंशन किया जाए या ना किया जाए, ये शर्त नहीं है. मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत से लोग अपने चैनल्स पर ये बता रहे हैं कि ही इज़ रीडिंग, तो ये रीडिंग जो है इंट्रांजिटिव, और ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये वाला रीडिंग ट्रांजिटिव है. देखिए ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट को पहचानिए, ऑब्जेक्ट व्हाट या होम का आंसर है, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पॉसिबल है चाहे मेंशन ना किया जाए, पॉसिबल होना शर्त है. मेंशन नहीं किया तो क्या हुआ, वर्ब इंट्रांजिटिव थोड़ी हो गया, वर्ब तो ट्रांजिटिव ही रहेगा. आपने ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट मेंशन जानबूझ के नहीं कर रहे आप, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां तो ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है.
ऑब्जेक्ट पॉसिबल ना हो तो इंट्रांजिटिव वर्ब बनता है. ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो तो ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, चाहे मौजूद है ऑब्जेक्ट या ना हो. और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ. इन शॉर्ट, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्शन. जब हमने कह दिया कि इफेक्ट ऑफ एक्शन, तो यहाँ तो एक्शन का इफेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव ही नहीं कर रहा, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट या हुम का आंसर होगा. मैं सेंटेंसेस फिर से बना देता हूँ. जैसे मैंने कहा शी वॉज गोइंग टू स्कूल, तो गो का इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट नहीं हो रहा, बल्कि वापस सब्जेक्ट पर रिटर्न हो रहा है. ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज नॉट बीइंग ट्रांजिटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, बट इट इज कमिंग बैक टू सब्जेक्ट. क्योंकि शी इज गोइंग टू स्कूल से स्कूल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, शी की पोजीशन चेंज हो रही है. ही इज रनिंग फास्ट, तो ही इज रनिंग ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, व्हाट या होम का आंसर पॉसिबल नहीं है. लेकिन ही इज रनिंग से ही की पोजीशन तो चेंज हो रही है, वॉक का भी यही सिलसिला है. ही डाइड, अब ही डाइड, डाई का इफेक्ट किस पर हुआ, वापस ही पर हुआ, किसी ऑब्जेक्ट पर पॉसिबल नहीं है. वी लिव, तो लिव का इफेक्ट वापस वी पर होगा, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं होगा. ही इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग का इफेक्ट वापस ही पर हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं हो रहा. ये रिवर्स हो रहा है इफेक्ट, इसको ट्रांजिटिव नहीं कह सकते. ट्रांजिटिव ये है, ही इज रीडिंग अ बुक, तो ही ने रीड किया है, रीड का इफेक्ट बुक पर ट्रांजिट हुआ. शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो शी ने एक्शन किया है राइटिंग का, जिसका इफेक्ट ट्रांजिट होगा लेटर पर. एंड सो ऑन, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ईजीली. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. मुख्तसर लेक्चर है, आपकी फरमाइश पर के लेक्चर बहुत तवील नहीं होना चाहिए. मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है और छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ. नवेद नकवी नाम है मेरा, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें. और एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी है और फ़ख्र है अपने स्टूडेंट्स पर कि मेरा पहला ही लेक्चर अभी लॉन्च हुआ था यूट्यूब पर, और पहले लेक्चर के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 450 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं. और यही स्पीड रहनी चाहिए. मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि सिर्फ व्यू ना करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें. इससे ये होता है कि मेरे जो लेक्चर्स अब आने वाले हैं एक के बाद एक, वो आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसकी, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा. और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है उनका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. कमेंट्स किए हैं, बहुत पसंद किया है. जिन्होंने कमेंट्स किए हैं पसंदीदगी में, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बल्कि उससे ज़्यादा शुक्रिया उनके लिए जो डिसलाइक या ऐसे कमेंट्स करते हैं जो तनकीदी होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है उसके अंदर, ताकि मुझे सीखने का मौका मिले और मैं उससे अपनी इस्लाह कर सकूं, अपने लेक्चर्स को और अच्छा बना सकूं. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.